प्रभु राम की यह कृपा पूरे लोगों पे बनी रहे। आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रभु राम चंद्र की जय। पंडित जी, काशी का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर। अयोध्या में मुहूर्त निकालने से लेकर वेद मंत्रोच्चार सब कुछ काशी के लोगों ने किया है। शिव और हरि का क्या मिलन है? देखिए, पूरा काशी सजा हुआ है। देश विदेश से लोग आए हुए हैं आज इस दिव्य छटा को देखने के लिए। हर हर बसिया बलराम चंद्र की जय। रामलला अपने नव्य दिव्य मंदिर में विराजित हो चुके हैं। उत्साह का माहौल है पूरे देश में। आप देख सकते हैं दिन में भी आतिशबाजी हो रही है और हर जगह जय जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और हम इस वक्त हैं वाराणसी के माँ गंगा मैया के उन 80 घाटों की सैर में, जहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात, श्री राम जी अपने घर पहुँचे हैं, तो इसी खुशी में श्री राम जी के दोस्त माने जाते हैं केवट राज, और केवट राज जो समाज से जो निषाद जो यहाँ पे जाती है, जो यहाँ पे पूरा नाविक संघ है, उन लोगों ने आज जो है सारी जो नाव चल रही है फ्री में चल रही, किसी से उतराई नहीं ली जा रही है, क्योंकि आज उनके जो श्रद्धे जो उनके जो परम श्री राम है उनकी जो वापसी हुई है अपने जन्मस्थली में, तो उसको लेकर के अयोध्या से लेकर वाराणसी में जय जय श्री राम गूंज रहा है। तो यहाँ पे जो शिव की नगरी है काशी, वहाँ पर राम का जो रंग है आपको दिखा रहे हैं हम। और इस जो नाव में सुबह से ये नाव चल रही है, भगवान रंग इसमें चढ़ा हुआ है हर जगह। हर नाव में आप देख सकते हैं, जितनी छोटी से छोटी कहें या बड़ी से बड़ी नाव है, हर जगह में यहाँ पे आपको ध्वज भगवा जरूर दिख जाएगा यहाँ पर। और चूंकि आज फ्री में सारी बोटिंग की कराई जा रही, क्योंकि आज की जो उनकी रोजी रोटी है वो श्री राम के नाम पे है। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, आज यहाँ पर पूरी फ्री में नैया चल रही है, क्या कारण है? देखिए, आज ये जो शुभ अवसर हमारे जीवन में आया है, ये एक जन्म का नहीं कई जन्मों का पुण्य जो है आज उदित हुआ है। और आज भगवान श्री रामचंद्र के स्वागत में आज पूरी प्रकृति ही स्वागत में लगी हुई है। और हमारी काशी तो आज दुल्हन की तरह सजी हुई है। और हम लोग का जीवन धन्य हो गया कि ऐसा हमारे जीवन में ये शुभ अवसर आया है। हर हर बसिया बलराम चंद्र की जय हो। और हमारे साथ दो नाविक भाई हैं। भैया, आज आप लोग पूरा और फ्री किए नाव? हाँ, आज के लिए फ्री है, क्योंकि राम मंदिर के लिए हुआ है हर जगह से, तो हम लोग भी अपने समिति की तरह से फ्री किए हैं। क्या समिति का नाम क्या है आपकी? वो नाम माँ गंगा निषाद समिति। आप निषाद परिवार से पूरा आते हैं। केवट जी ने राम जी को नैया पार कराए थे, राम जी सबको भाव सागर पार कराते हैं, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने राम जी को नैया पार कराई थी, गंगा मैया पार कराई थी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आज आप लोग को पार लगाएंगे। बिल्कुल, हम सब भी पार लगने गए, माँ गंगा मैया की गोद में हम सब हैं। तो भैया, आज का दिन राम जी विराज चुके हैं मंदिर में, कैसा लग रहा है? सब पब्लिक देख रहे हैं, खुदे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कैसा माहौल है सुबह से? आप लोगों ने कल रात से नाव सजा रहे थे, हम देख रहे थे यहाँ पे। मैंने तो आज सुबह से अपना काम कर रहे थे, फ्री वाला सेवा तो दिखा दे, फ्री वाला सेवा, फ्री सेवा के लिए। यहाँ पर नाव में अलग अलग जगह से लोग हैं, लेकिन हम सबसे पहले जुड़ते हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आप लोग हमेशा आते हैं दर्शन करने के लिए, नाव में पैसे भी लगते हैं, उतराई के लगते हैं, आज फ्री में है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि आज पहली बार मतलब कि नाव से फ्री में घूमने का मिल रहा है। और श्री राम के जन्म उत्सव के वजह से ज़्यादा हम लोग को घूमने का मौका मिला है, इस वजह से अच्छा लग रहा है। सभी परिवार के साथ हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। सब एक ही परिवार के लोग? जी जी बिल्कुल जी हाँ, देखिए आप एक ही परिवार के लोग हैं। और काशी महादेव की नगरी है, और आज जो श्री राम मंदिर में जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सारे जो विद्वान है वो काशी से गए थे। मुहूर्त जो निकला था आज काशी के जो महान विद्वान ज्योतिष थे, उन्होंने निकाला था आज के दिन का शुभ मुहूर्त। तो काशी और अयोध्या का एक जो नाता है, कहते हैं कि महादेव के जो आराध्य है राम है, और राम जी का आराध्य महादेव, एक सखा और आराध्य दोनों का रिश्ता है। तो ये जो दोनों नगरी है, धर्म नगरी है, अपने आप में धर्म नगरी में आकर के आप चाहे अयोध्या जाएं चाहे काशी आएं, पर आपको जो महसूस होगा वो वैसे ही महसूस होगा, जहाँ राम बसते हैं वहाँ शिव बसते हैं, और जहाँ शिव बसते हैं वहाँ राम बसते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आज राम जी आ गए हैं अपने मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बता, सनातन धर्म फिर से एक बार पूरा राष्ट्र में ये हो रहा, छा रहा है, लोग खुशी का माहौल है, सभी लोग आनंदित, और क्या बोले, बहुत अच्छा। जय श्री राम। क्या कहेंगे आज के शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, ऐतिहासिक दिन है? आज तो ऐतिहासिक दिन ही है, आज राम जी का वहाँ अयोध्या में आज विराजमान हो गया, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है।
कितने साधु संतों की कुर्बानी, इतने लोगों की कुर्बानी, और आज वो दिन आप लोग देख रहे हैं जिसका इंतजार आप लोगों का, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे श्री रामचंद्र जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हो गया। हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है और सभी धर्मों को मानना चाहिए, लेकिन सबके राम अलग है, राम एक ही हैं, लेकिन सब लोगों की आस्था अलग अलग है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, सब अपने अपने मजहब में मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के लिए पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाना चाहिए और हर धर्म के लोगों को मिल करके हर धर्म का जो है सम्मान करना चाहिए। काशी में पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आया हुआ है, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ हमेशा पहुँचते हैं, हमेशा ऐसे ही भीड़ होती है। और हमारे भिलाई से, छत्तीसगढ़ से भी कई लोग आए हैं, विनोद भी आए हैं। विनोद भैया, आज आप यहाँ पे काशी में हैं, क्या देख रहे हैं? राममय हो गया है पूरा काशी, और आज भगवान प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज हमारे यहाँ नाविक भाइयों लोग भी ने आज नाव फ्री किया हुआ है और सब इसका आनंद उठा रहे हैं, और प्रभु राम की यह कृपा पूरे लोगों पे बनी रहे। आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रभु राम चंद्र की जय, सियापति राम चंद्र की जय। पंडित जी से हम बात करते हैं। पंडित जी, काशी का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर, अयोध्या में मुहूर्त निकालने से लेकर वेद मंत्रोच्चार सब कुछ काशी के लोगों ने किया है, शिव और हरि का क्या मिलन है? देखिए, भगवान राम के भक्त जो हैं, शिव जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो तमोगुणी हैं और राम जी हैं जो हैं वो सतोगुणी हैं। तो सतोगुणी जो है होता है वो सफ़ेद होता है और तमोगुणी काला होता है, लेकिन भगवान शंकर जी निरंतर भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, इसलिए वो हो गए कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर की तरह गौरांग हो गए, और भगवान रामचंद्र जी वो नीले हो गए, क्योंकि सदैव ध्यान करते हैं भगवान शिव जी का, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर से जरूर अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, लेकिन शक्ति तीनों एक ही हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। और हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि ऐसा हमारे जीवन में शुभ घड़ी आई है। ये एक जन्म का नहीं है, अपितु कई जन्मों का पुण्य आज उदित हुआ है, हम सबका भाग्योदय हुआ है कि ऐसा शुभ घड़ी हम लोग देख पा रहे हैं। और आप लोग भिलाई से आए हुए हैं, भिलाई वासी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि मैं कई वर्षों से जुड़ा हूं, और आज भिलाई वासी काशी में आए हैं, सबका स्वागत है, और शिव जी का दर्शन किया आप लोगों ने, गंगा माँ का दर्शन किया, और उसके बाद आप लोग भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग परम भाग्यशाली हैं और ऐसा शुभ हम सब के जीवन में आए, भगवान की कृपा सब के ऊपर बनी है। आज भगवान रामचंद्र जी का ये रामोत्सव मनाया जा रहा है, दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ और प्रतिष्ठा हुई, तो आज पूरी प्रकृति ही भगवान की स्वागत में लगी हुई है। आज देखिए पूरा काशी सजा हुआ है, देश विदेश से लोग आए हुए हैं आज इस दिव्य छटा को देखने के लिए, तो हम लोगों को तो भाग्य का उदय हुआ है। हम भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे आप सबका मंगल हो, और भिलाई वासियों से निवेदन है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काशी आएँ, काशी के बाद माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करें, उसके बाद अयोध्या जाएं, रामचंद्र जी का दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल सिया बलराम चंद्र की जय। और हम जुड़ते हैं, हमारे कुछ और भाई साथ में हैं। भैया, क्या अनुभूति है आज की? आज ऐसा लग रहा है कि काशी में भगवान श्री राम जी आ गए हैं खुद, क्योंकि यहाँ भगवामय, चारों तरफ से भगवामय दिख रहा है, और यहाँ पे हमारे केवट भाई आज फ्री में घुमा रहे हैं लोगों को। जो पैसे लगते थे वो एक रुपया नहीं ले रहे हैं भगवान राम के इस स्थापना दिवस पे, प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पे। इसलिए जय जय श्री राम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, सभी भक्तों को जय श्री राम। आज इस काशी की नगरी में अद्भुत ही आनंद का वो हो रहा है। आज सभी जगह सिर्फ भगवामय, सिर्फ भगवामय, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, मंदिर हो, सभी जगह सिर्फ जय श्री राम भंडारे और सिर्फ भजन के ही राग सुनाई दे रहे हैं। अब क्या बताएं, 500 वर्षों का हमारी तपस्या जो है सफल हो गई है। जय श्री राम।
बिल्कुल शब्द नहीं है, बस भाव है, सबके भाव विभोर है सब, हर कोई, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं कि सुबह से काशी में यहाँ पर ऐसा माहौल है कि गली मोहल्ला हर कोई जिसका जैसा सामर्थ्य है वो वैसा कर रहा है। एक चाय ठेले लगाने वाला भी फ्री में चाय पिला रहा है, एक चाट ठेले वाला भी फ्री में चाट खिला रहा है, और हर कोई अपने तरीके से श्री राम जी के आने का उत्सव मना रहा है। देखिए आप इस बार नाव सजी हुई उत्तर वाहिनी गंगा सेवा समिति है, यहाँ पर 80 घाट है, 80 घाट के अलग अलग जो सेवा समिति बनी हुई है, 80 घाट का अलग अलग केवट जो समाज का अलग अलग अपना बना हुआ है, एक यूनियन बनी हुई है, सारी यूनियन ने मिलकर के निर्णय लिया कि आज सब राम भक्तों को फ्री में गंगा मैया की सैर कराएंगे, गंगा मैया की गोद तक लेके जाएंगे, गंगा मैया के दर्शन कराएंगे, पूरे काशी के 80 घाट के दर्शन कराएंगे। तो इस पावन अवसर पर यहाँ पर जो उत्सव का माहौल है वाकई में शब्द नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। और IBC के जरिए हम आपको ये जो दिखा रहे हैं कि आप भी कम से कम घर बैठे काशी विश्वनाथ जी के दरबार से, वहाँ के शहर से आप यहाँ के नज़ारों का भी मजा ले सकते हैं। कोमल धने सर, IBC 24 काशी।